ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਢਾਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਢਾਬਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ सर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फूडी सिंह के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आए हैं लुधियाना के चन्ना नान वालों के पास। यार इनका नाम लुधियाना में बहुत ज़्यादा सुना था। 1960 से ये काम कर रहे हैं नान और कुलचे बनाने का। तो टेस्ट करते हैं आज के कुलचे और लच्छा परांठे है। यहाँ पे मैंने सुना बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। इनका जो भरता है भरता बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं भरते को। तो चेक करते हैं इनका टेस्ट और देखते हैं क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। फिलहाल मैं इस काम के 3 साल हो पहले मैं ITI की है। मेरे डेंटिंग पेंटिंग का काम से लॉकडाउन करके मेरी नौकरी इस करके जॉब का चली गई। इस करके मैं फादर का ही काम से इस करके मैं उन्होंने ही कर रहा हूँ। मैं ये काम वधिया लगता जी तो मैं ये काम से खुश हाँ जी। मेरे पापा ने मेरे दादा जी को सीखा हूँ मैं ये काम अपने पापा जी को सीख रहा सारा काम मैं इन्हों तो ही सीखा जी। सर मैनू ये काम च बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा तो मैं अगे यही काम करना चाहना हाँ जी। इस शॉप पे आने के बाद मैंने एक चीज़ यहाँ से सीखी कि अगर आज भी हम अपने बुज़ुर्गों के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे आज भी हम उनकी बात मानेंगे तो सक्सेस पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें अंकल जी और वीर जी ने बताया कि जो वो आज काम कर रहे हैं वो उनके बुज़ुर्गों ने उनके दादाजी या फिर अंकल जी के पापा जी ने उन्हें सिखाया था। आज उन्हीं के कारण आज उनके पास सक्सेस है। इन्हें शरीफ बंदे ने नाम चके इन्होंने यह जी शरीफ बंदे लंबे भी नहीं मिलने। तुसी किन्ने टाइम तो आ रहे हो इत्थे? मैं तो इन्हों घर तो 25-30 साल तो जानता। तो इतने खा रहे हो 25-30 साल तो? इन्हों को खा रहे इन्हों का पहला होंगे घाटी मिले ढाबा। अच्छा जी। उदो इन्हें डैडी भी नाल होंगे छोटा भरा भी नाल होंगे फिर इन्होंने उदो ढाबा बंद करता फिर इन्होंने नान दुकान ला ली। हम 15 साल तो ये नान का काम ही कर रहे हैं। बहुत साफ सुथरा काम इन्हों का वधिया बंदे ने रेट इन्हें बिल्कुल जेन्यून है रेट इन्हें यदा असी सगो कह के 10 बुलवाया इन्ने साल तो 50 रखे हुए थे। ये मैं इन्होंने कहा इन्होंने 60 रुपये हम दो नान होने किए इन्होंने जिम्मे इन्नी महंगाई वाला टाइम हो गया जिम्मे महंगाई का टाइम और यह जो नान मिलना नहीं है कि इन्हों के नान अगर मैं कह 10 कि नंबर देना चाहोगे? मैं 10-11 दूंगा जी। 10-11 नंबर दोगे? 60 शुरू किया 1960 तो कम चल रहा था। हाँ जी पहले अमृतसर करते थे फिर GT रोड से घाटी मोहल्ले ढाबा अमृतसर तो शुरुआत हुई थी। हाँ जी हाँ जी अमृतसर तो शुरुआत हुई थी फिर इतने आ गए इतने शिफ्ट हो गए फिर इतने करते ढाबा 35 साल इतने किया। पड़था लोग बड़ा पसंद कर रहे छोले यार जो अरोमा आ रहा है ना छोलों में से जो खुशबू आ रही है मुझे मैं फील कर सकता हूँ कि बहुत टेस्टी होने वाले हैं यहाँ पे छोले। यहाँ पे पड़ा इनका बटर और यहाँ चटनी भाजी पुदीने की चटनी है ठीक है भाजी। यहाँ पे हमारा माँ परोंठा लग रहा है। अंकल जी बता रहे हैं यहाँ पे आटा और मैदा मिक्स होता है ये तो सिला है तेल ऊपर क्यों लाया
आप दाल चेक करो यार, ऊपर इन्होंने धनिया डाल के दिया, और कंसिस्टेंसी चेक करो, जो दाल मखनी वाली दाल होती है वही है। भाई ने बताया कि 1960 से वो यही काम कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल काम है, लेगेसी को अपनी आज भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। जो उनके दादाजी ने स्टार्ट किया था वो आज भी सेम वैसा ही चल रहा है, और अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। और यहाँ पे हरी चटनी दी है, बीच में सैलेड दिया है, और साथ में रखा है अचार। कस्टमर से सुना था कि यहाँ का जो भरता है ना, भरता बहुत ज़्यादा टेस्टी है, भरता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कस्टमर। अब चेक करो भरता, तो मैंने यहाँ पे भरता मंगाया अपने लिए। चलो फिर चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ कितना टेस्टी है यार, इतना पुराना यहाँ का फूड। ये जी आ गया भरता, और यहाँ पे दाल मखनी, और ऊपर रख लिया मैंने चटनी वाला प्याज। वाह, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पे यार अपनी फर्स्ट बाइट लेते हैं। यहाँ पे लगाया मैंने थोड़ा सा बटर, साथ मैंने दाल मखनी की, और थोड़ी सी लगाई ऊपर हरी चटनी इनकी पुदीने वाली, और साथ में रखे प्याज। हियर इज द फर्स्ट बाइट फॉर टुडे। लच्छा पराठा है ना, जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने अमृतसर कुलचे, नान और पूड़ियाँ छोले सब कुछ ट्राई किया हुआ है, लेकिन लच्छा पराठा मैंने आज से पहले ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसमें जो लच्छे का क्रिस्प है ना, मैं आपको दिखाता हूँ जो क्रिस्प है, क्रिस्प चेक करो आप, क्रिस्प बहुत ज़्यादा है। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो दाल मखनी है, दाल मखनी प्रॉपर कॉम्बिनेशन और एक अच्छा कॉम्बिनेशन रेडी किया हुआ है, जिसमें प्रॉपर एक टेस्ट मिलेगा आपको, और चटनी ऊपर जब डालोगे दाल मखनी के तो चार चांद लगा देगी आपको। पाजी यहाँ पे अभी मिक्स कुलचा रेडी कर रहे हैं। पाजी की लगाओगे बीच में? अरे भाई मिक्स टॉपिंग हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तुम क्यों लाया है? हाँ जी, मिक्स टॉपिंग कुलचा जी, की हो लगा के धनिया स्टफिंग ये भाई, मिक्स स्टफिंग होती है जी, आलू गोभी पनीर प्याज ये सब स्टफिंग मिक्स होती है जी, ये सारी चीज़ें तो मिक्सअप बना के स्टफिंग रेडी कर दो। बाकी हाँ जी, बाकी कस्टमर ने जिस तरह की डिमांड है जी, जिस तरह का भी तिखा जो भी लेना आप उस हिसाब से स्टफिंग कर दी है जी। धनिया आ गया ऊपर। अच्छा, ये अंकल जी ने जी कुलचे च हवा नहीं भरती, कुलचा क्रिस्पी बनता। अच्छा, बिल्कुल करारा बनता जी, ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਲਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਕੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ फॉलो कर लेना, और फेसबुक भी पेज को लाइक कर देना। तो मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ध्यान रखना, ख्याल रखना, और चन्ना कुलचे वाले जी की गूगल मैप को डिस्क्रिप्शन में से ले लेना।